कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान, कांग्रेस संगठन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। 19 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक है, हो सकता है कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए। कमलनाथ जी के पास एक पद भी जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष बनने के सवाल पर बोले सज्जन वर्मा, मेरे जैसे व्यक्ति को कोई नेता प्रतिपक्ष बनने नहीं देगा, अगर मैं बनूंगा तो कई की दुकान बंद हो जाएगी। इतने पाखंडी नेता भारत की राजनीति में कभी पैदा नहीं हुए। चुनाव आते हैं किसी भी तरह के तो थोड़े बहुत भाव कम कर देते हैं, जरूरी जो सामान है, जो चीज़ें हैं उनके। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने डीजल पेट्रोल के भाव आसमान पे बढ़ा दिए, और उनके जो नुमाइंदे हैं, धर्मेंद्र प्रधान नाम है, क्या नाम है उनका, पेट्रोलियम मंत्री, इंदौर आए थे अभी 2-3 दिन पहले, वो इंडिकेशन दे गए हैं कि हो सकता है जनवरी में 100 रुपये तक पेट्रोल पहुंच जाए। ये आवाज़ थी अंबानी और अडानी की, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार के मंत्री नहीं, वो अंबानी और अडानी के वहाँ काम करने वाले मैं समझता हूँ वो हैं। गैस के भाव आप देख लीजिए कितने भाव बढ़ गए हैं, आम जनता त्राही त्राही कर रही है। अभी आज वो वर्चुअल भाषण देंगे, बैठक करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ, कि 1600 करोड़ रुपए 35 लाख किसानों के खाते में हम डाल रहे हैं। इसे गुणा भाग कर लो, 35 लाख किसान और 1600 करोड़ रुपए के गुणा भाग कर लो, मतलब ये कहूँ कि ऊँट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। 2-3 हज़ार रुपए बड़ी मुश्किल से किसानों को मिलेंगे। ये पाखंडी लोग भाषण दे सकते हैं, ये ख्वाब दिखा सकते हैं लोगों को, लेकिन जब लोगों के ख्वाब टूटते हैं, सपने टूटते हैं, तो उसके दुष्परिणाम फिर आएंगे। कृषि बिल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड करने की बात कही है। किसने कहा कि होल्ड करेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो कहेगी ही। क्या नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? जिस किसान के हित का बिल आपने बनाया है, वो किसान सड़क पे है, आपसे ज़्यादा विद्वान आपके कृषि मंत्री और नरेंद्र मोदी जी, आपसे ज़्यादा विद्वान मेरे गांव का एक किसान है जो अपना भला और बुरा खूब समझता है, उसने जब कहा कि इससे हमें भारी नुकसान है, हमारी फसल का आधा मूल्य भी नहीं मिलेगा, ये जो कॉरपोरेट घराने हैं अडानी और अंबानी, इनके लिए बिल बनाया गया है, तो नरेंद्र मोदी को क्या तकलीफ़ है? तानाशाह किस्म के लोग पीछे नहीं हटते हैं। वो स्थिति नरेंद्र मोदी की, जब किसान बोल रहा है जिसके लिए बिल बनाया, उसे नहीं चाहिए बिल। हु यू, आप कौन? सुप्रीम कोर्ट की आड़ ली जाएगी। अब उनका ईगो हर्ट होगा यदि वो वापस लेंगे नरेंद्र मोदी, उनको बड़ा अपमान महसूस होगा, तब सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके वो कोई नया दांव खेलने वाले। लगभग महापौर सारे नगरी निकाय के चुनाव में यूथ विंग को पावरफुल करना हमारा नैतिक दायित्व इस समय है, हुए हैं। और विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, और बड़ा दमदार इलेक्शन था, और जो डिजर्विंग थे वो सारे लोग जीत के आए हैं, अध्यक्ष से लेके उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, ये सारे हमारे बहुत ही जाबाज साथी हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से संघर्ष किया है मध्य प्रदेश की सड़कों पे, कांग्रेस के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो टीम इस समय चुन के आई है यूथ कांग्रेस की, ये आने वाले 3 सालों में यूथ कांग्रेस के साथ साथ मध्य प्रदेश की कांग्रेस को जो एक मजबूती मिलना चाहिए, वो इन युवा साथियों के हाथों से इसलिए मिलेगी कि इस समय मध्य प्रदेश में नगरी निकाय के चुनाव हैं, और कमलनाथ जी और हम सारे सीनियर लीडर ने इस बात की घोषणा कर दी है कि 80% यूथ को नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव में टिकट दी जाएगी। हार जीत से ऊपर हैं हम लोग, कांग्रेस के लोग, हारे जीते फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड और थर्ड जनरेशन, जो हमारी सेकंड थर्ड लाइन है, उसको मजबूत करना सबसे ज़्यादा हम ज़रूरी समझते हैं। और यूथ कांग्रेस के चुनाव जो लोग जीत रहे हैं, निश्चित रूप से कैलिबर वाले लोग।